अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नोमान है और आप देख रहे हैं चैनल नोमान गुज्जर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से दोस्तों अपने मोबाइल में आप लोग कोई भी बंदे का चेक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर कि किस बंदे ने आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देखी है और कितनी कितनी दफ़ा आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देखी है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है इस एप्लीकेशन का आइकन और इस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप बॉक्स। तो इसको दोस्तों आप लोगों ने लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको यूज करना है और कैसे पता करना है कि कौन कौन आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल देखता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ अपने मोबाइल में ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्कैन नाउ की, इस पे दोस्तों आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। ये आपको वैसे ही बताया गया है कि अगर आप अपने मोबाइल को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके अपने मोबाइल को आप लोग बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखेंगे कि आपकी काफी सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टेटस है, यानी यहाँ से आप लोग अच्छे अच्छे स्टेटस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक देख सकते हैं, उसके अलावा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिला है पावर फीचर का, तो इस पे दोस्तों आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग पावर फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टेटस डाउनलोडर भी आपको मिल रहा है, क्लीनर मिल रहा है, उसके बाद स्नूजर, उसके बाद अपडेटर, उसके बाद ब्लैंक चैट, उसके बाद हु व्यू माई प्रोफाइल। तो इस पे दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करना है। बाकी ऑप्शन के नाम भी पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा हु इज ऑनलाइन, उसके बाद ओपन चैट, उसके बाद स्टेटस वीडियो स्प्लिटर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने हु व्यू माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे वो बंदे आ जाएंगे जिन लोगों ने आपकी प्रोफाइल जो है वो देखी हुई है, यानी कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग उनके नाम दोस्तों देख सकते हैं जो कि मैंने सारे के सारे हाइड किए हुए हैं। तो दोस्तों इसके जरिए दोस्तों अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पर कौन कौन आपकी प्रोफाइल देखता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आपको बाकी मैं दिखाता हूँ दोस्तों जो कि बाकी ऑप्शन है जो कि काम करती है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेटस डाउनलोडर की है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अच्छे अच्छे स्टेटस जो है वो आपके जो लगाते हैं फ्रेंड्स उनको दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी स्टेटस आपके मोबाइल पर लगाए होंगे आपके फ्रेंड्स ने, यानी कि अपने स्टेटस लगाए होंगे, यहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्लीनर में आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप कोई एक चीज मतलब क्लीन करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ सारी की सारी पिक्चर्स क्लीन कर दूँ, या सारी ऑडियो क्लीन कर दूँ, वीडियो क्लीन कर दूँ, या वॉइस मैसेज जो है वो सारे मैं क्लीन कर दूँ, तो उसको सिलेक्ट करके दोस्तों क्लीन के बटन पे क्लिक करके आप लोग सारा उसको खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ स्नूजर में आ जाएंगे। स्नूजर में ये होगा कि मतलब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बोलेगा सेटिंग में जाने के लिए। आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से फोर स्टॉप आप लोगों ने कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। और इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा उसको सिर्फ एक टिक शो होगा, उसको आप लोग ऑफलाइन शो होंगे लेकिन आप बिल्कुल ऑनलाइन होंगे, लेकिन सामने वाले बंदे को आप लोग ऑफलाइन शो होंगे। उसके बाद अपडेटर ये है कि आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी जब व्हाट्सएप का कोई नया वर्जन आएगा अपडेट के लिए, तो यहाँ से ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा। अब दोस्तों ब्लैंक चैट ये है कि मतलब आप लोग किसी को भी अगर खाली मैसेज करना चाहते हैं सेंड, तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लैंक चैट के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं व्हाट्सएप जो है हमारा ऑटोमेटिकली ओपन होगा, तो यहाँ से मैं एक चैट को जो है वो मैसेज सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल ब्लैंक मैसेज जो है वो इसको सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ ब्लैंक मैसेज है जो कि इसको सेंड हो चुका है। अब दोस्तों मैं फिर से बैक आ जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद आगे के ऑप्शन आपको बताता हूँ। उसके बाद है हु इज ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सारे के सारे नाम आ जाएंगे जो जो बंदे ऑनलाइन है। यहाँ पे आप देखे, यानी कि ये कल एक बंदा ऑनलाइन हुआ है और वो भी 1 घंटा 30 मिनट के लिए, और आज कल ही एक और बंदा ऑनलाइन हुआ है 5 मिनट के लिए, और इस तरह सारी डेट भी लिखी होगी और उसके बाद दोस्तों मिनट भी लिखे होंगे कि ये कितने मिनट के लिए ऑनलाइन आया है। तो अब मैं ये बैक आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओपन चैट पे क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे दोस्तों हम किसी का व्हाट्सएप नंबर लेते हैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, तो हमें वो नंबर जो है वो सेव करके फिर उससे बात करनी होती है। लेकिन अब हम दोस्तों यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्री आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं पाकिस्तान कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं कंट्री आपको करके दिखाता हूँ पाकिस्तान की। यहाँ मैंने पाकिस्तान की कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं ओपन करूंगा तो मुझे नंबर बिल्कुल भी सेव करना नहीं पड़ेगा, वो व्हाट्सएप पर इसकी चैट ओपन हो जाएगी और यहाँ से कुछ भी मैसेज करके दोस्तों मैं उसे बंदे से बात कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी ये भी एक ट्रिक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस वीडियो स्प्लिटर, यानी कि कोई भी आपके पास अगर बड़ी कोई वीडियो है उसको आप छोटा करके 30 सेकंड का लगाना चाहते हैं तो ये दोस्तों आप लिख के बहुत काम आएगी। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लिक करने के बाद यहाँ कोई भी वीडियो अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको दोस्तों आप लोग छोटा करके लगा सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद आप लोग ट्रिप एंड शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप लोग स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी ऑप्शन जो कि मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।